तो गाइस इसका एक टॉप है ये जो कि 80 रुपए का, और गाइस दिल्ली के लिए पैकिंग हो चुकी है। यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े डाले हैं, और यार राजीव को देखो इसका मुंह उतरा हुआ पूरा पूरा, दुख हो रहा है बेच के वो शक्ल से पता लगा कि तेज इसको चाहिए पैसा। चलो फिर बस स्टैंड तक तो छोड़ने चलो, जुबान भी निकल रही है। ये चेक करो गाइस, एक दिन के लिए जा रहा हूँ और इतना बड़ा बैग, वो किस लिए? बिकॉज हमारे पास छोटा बैग ही नहीं है भाई, ढूंढ ढूंढ के थक गए, तो इतना बड़ा बैग सिर्फ एक दिन के लिए। तो गाइस आ चुकी है बस, तो चलते हैं, लेट्स गो। इस बस बड़ी खतरनाक है भाई, क्लासिक बस है ये तो। क्या बात है भाई साहब, यहाँ ब्लो कर दे। हाँ ये सीट है हमारी, ये है, इसको सीट ही नहीं पता भाई, देखिए क्लासिक बस और ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है। पहली बार बैठा भाई ये बस में, इनफैक्ट मैं बस में ही मुझे लगता है बहुत टाइम बाद बैठा हूँ, 5-7 साल बाद बैठा हूँ भाई। ये चेक करो बस, ओह मैन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहुँच चुके हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे पहुँचे भाई? कश्मीरी गेट पहुँचे, कश्मीरी गेट पहुँच गए हैं, बस पहुँच चुके हैं दिल्ली, और 5 साल बाद मैं तुम्हें बैठा हूँ। मज़ा आ रहा भाई, मज़ा कैसा लग रहा है? बहुत बेटर, नज़ारा ही नज़ारा पूरा पूरा लगता है, सारा एक्सपीरियंस दिल्ली में ही हो जाएगा। तो हम लोग बैठ रहे हैं इस टाइम ऑटो में, तो मेट्रो के बाद ऑटो में भी काफ़ी टाइम बाद बैठा हूँ, और दिल्ली में भी 5-6 साल बाद आए भाई, मज़ा आ रहा है, नज़ारा आ रहा है। तो गाइस ऑटो से हम लोग आ चुके हैं रिक्शा में, तो ऐसे ही अपग्रेड होते रहेंगे हम लोग। ये भाई मुझे लगता है सब कुछ ही घुमाएगा। अब क्या था, रिक्शा के बाद साइकिल में जाएंगे तो साइकिल मिलेगी, साइकिल सीपी में साइकिल मिलेगी, पहले होटल ले लेते हैं उसके बाद। लोग आए हैं दिल्ली के पालका बाजार, चेक करते हैं भाई यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं। ये भाई लेके आया गया था बहुत मस्त मस्त कपड़े यहाँ पे, लेट्स सी यू क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। तो यहाँ पे है बॉयज के लिए फंकी फंकी कपड़े, हम जा रहे हैं सबसे सस्ती मार्केट सरोजनी नगर। भाई लेके जा रहे हैं, इसको पता पता कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये भी पूछ पूछ के आ रहा है, तो जाके देखते हैं कि क्या मिलता है राधिका के लिए। कल पालका बाजार से तो मिला नहीं, क्या पता यहाँ से मिल जाए। तो हम जा रहे हैं इस साइड से, एंटर है आ चुकी है मेट्रो, तो लेट्स गो। बड़ी भीड़ है आज यहाँ पे मेट्रो में, अभी तो कुछ नहीं है। ये लड़का लड़कियों के डिपार्टमेंट में ले आया भाई, मैं कहा पिंक पिंक ही हर जगह देखो पिंक, अरे तेरे को पता नहीं लगता है लड़कियों का, बेइज्जती करा दे। लड़कों का है ना, मार्केट में नहीं पहुँचे, भीड़ चेक करो भाई। ओ माय गॉड कहाँ ले आया ये, चेक भीड़ मैंने, ये देखो लाइनों में चल रहे लोग भाई, सामान तो हो गया ही नहीं, सब तो बिक चुका है, इतने लोग हैं मुझे लगता है सारा सामान बिक चुका है। अच्छा अच्छा सामान तो लेगी कुड़ियाँ भाई, कि मेट्रो के अंदर जाने की भीड़ है भाई पूरे दूर तक, तभी यहाँ सस्ता है, लोग ज़्यादा आते हैं ना। सस्ता नहीं है यहाँ पे यार, संडे है ना, फर्स्ट टाइम। ओह भाई यहीं से लाइन शुरू है, मेरी सेल्फी हो गई आपको। आप तो गाइस 2 लाख होने में पड़े हैं 35, और ये कह रहा है कि मैं अभी करा के दिखाता हूँ चैलेंज है ये, करवा दोगे? हाँ पक्का, पक्का। तो 35 रहते, देखते हैं करवा पाते कि नहीं।
ये करवा पाए नहीं बताओ? पता नहीं। आप बताओ। मैं करवा दूंगा। अभी क्या अभी? पर 2 लाख का केक यहीं कटेगा। हाँ ठीक है। हाँ 35 अभी कराऊंगा। हाँ करवा, यहीं कटेगा केक। चल ठीक है। तो गाइस इन्होंने कहा 35 रहते हैं, इन्होंने कहा कि मैं अभी करवाता हूँ, अगर 35 हो गए तो ये पे केक कटेगा वरना लुधियाना जाके। भाई आपका भाई कह रहा है कि अभी 35 करवा दूँ, हो जाएगा कि नहीं? होएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा भाई, कॉन्फिडेंस चेक करो सबका भाई। इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कहते पता नहीं। तो मैं वेट करूंगा, अभी टाइम हुआ है 9:05 हुआ है, आप देख सकते हो मुझे। देखो तो आपको कितना टाइम चाहिए, एक टाइम बताओ जल्दी। 25 मिनट। 25 मिनट तो मतलब यहाँ पे जब 6 में सुई जाएगी तो इनका चैलेंज खत्म। टाइम स्टार्ट नाउ। जब हम लोग जा रहे हैं घर, ये लोग 2 लाख नहीं करवा पाए तो घर पे जाके केक काटेंगे। अब घर जाके बीवी की मार खाते हैं, गालियाँ खाते हैं, तो मिलते हैं सीधा घर पे। ये बस कम, ये जहाँ ज्यादा लग रही वैसे तो भाई खतरनाक चीज है भाई। सीन है भाई वैसे तो। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, पूरा मतलब एक अंदर टेंट टाइप ही है, पूरा 2 जने यहाँ सो सकते हैं, पूरे बिहार से नजारा ही नजारा भाई। लेकिन ये है कि इसके साथ सोना पड़ेगा मुझे यहाँ। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ से हवा भी आती है, कोई सफोकेशन नहीं आती है, और यहाँ से खिड़कियाँ हैं। तो भाई पहली बार बैठा हूँ ये बस में यार, मजा आएगा, सो के जाएंगे। राधिका टॉप कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं, बताओ कितने के होंगे वो? पता नहीं है, तुम गैस करो। मेरे को नहीं पता। एक तो इसको कुछ भी पूछो ना, इसका एक ही जवाब होता है पता नहीं। आपने कभी जिंदगी में कपड़े नहीं खरीदे मैडम? सर्दियों के कपड़े तो कॉस्टली होते, 700-800 के होंगे। तो फिर पहले बोल देते, पता नहीं क्यों बोल रहे। तो वो है सिर्फ 80 रुपए का टॉप। 80 रुपए का? हाँ 80 रुपए का टॉप है। और जो बाबू के थे वो थे ओनली 350 के। मतलब मैं हैरान हो गया, इतना सस्ता। और इसलिए वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज्यादा भीड़, मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब। आप और ज्यादा उठा के ले आते। मुझे लगा मैं तो वो तो लेके नहीं आने वाला था, मुझे लगा इतना सस्ता पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। तो मैं, मेरा फ्रेंड कहता इतने दूर आए हैं तो कुछ ले ही जा। इतनी ज्यादा भीड़, मतलब बंदा वहाँ पे ढूंढ ही नहीं सकता लड़का जाके। लड़कियां तो आपको पता ही है जैसे मर्जी ढूंढ लेती है सामान। लड़कियां तो फिर भी सामान ढूंढ लेती है भाई, हमसे नहीं ढूंढा जाता। तो राधिका एक बार पहन के दिखाओ ठीक है टॉप। मम्मी यार आपके साइज का वहाँ कुछ मिला नहीं यार दुकान में। कोई बात नहीं फिर यही ले लेंगे। तो मम्मी ने कहा था कि एक स्वेटर लेके आ, तो वहाँ पर क्या था कि सिस्टम ऐसा था, अगर टॉप थे या छोटे थे बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ही बड़े, मतलब इतने बड़े नहीं, मतलब इतना साइज किसका होता है, मैं तो हैरान हूँ भाई। इतने बड़े बड़े वो फिर ज्यादा ओवर बड़े हो रहे थे। तो मम्मी का साइज का मैं ढूंढता रहा, मिला ही नहीं कुछ भी। तो मम्मी को यहीं से लेके देंगे स्वेटर। तो गाइस इसका एक टॉप है ये जो कि 80 रुपए का, और दूसरा दिखा दूसरा जल्दी से। गाइस एक टॉप है ये वाला जो इसने गंदा कर दिया पहन के, तो घूम के दिखाओ। अब थर्ड वन, एक टॉप है गाइस ये वाला जो कि इसको टाइट हो गया, जो कि अब सिस्टर पहनेगी शायद, है ना। अधिका आपको एक बार बताओ, मैं ना कुछ भी खरीद नहीं रहा था, मैं कहा यार अच्छे सा नहीं लग रहा मेरे को, बट वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ पे खरीद रही थी, इतनी सुंदर सुंदर। अच्छा। तो मैं कहा यार इतनी सुंदर लड़कियां खरीद सकते हैं तो मैं भी खरीद लेता हूँ मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए। अच्छा मतलब आप कपड़े खरीदने नहीं गए थे, लड़कियां ताड़ने गए थे? लड़कियां थोड़ी गया था खरीदने के, मेरे को थोड़ी पता है वहाँ इतनी लड़की होंगी। हाँ तभी वापिस आने लगे थे, उसके फिर लड़कियां देख लिया होगा, फिर चले गए वापिस कुछ लेने के बहाने से। घर वाली भी खुश और मेरी आंखों को भी शांति मिलेगी, है ना। देखो गाइस सोच, मतलब इसको सामान भी लेके तो ऊपर गालियां भी खाओ सामान। अगर गाइस वहाँ पे लड़की एक भी ना होती ना, इन्होंने यही बोलना था आगे की कुछ कुछ अच्छा था ही नहीं वहाँ पे ऐसे। अच्छा लड़कियों के सामने मुझे और नहीं लेना चाहिए वहाँ पे कि यार इतना सस्ता मैं क्यों लूं, फिर तो मुझे चोटबाजी मारनी चाहिए। वो भी तो ले ही रही है, ऐसे नहीं है। देखो सोच भाई, अब से इसको कभी कुछ नहीं लेके देना कट्टी। वैसे लड़कियां देखने भी गया था मैं, मेरे को पता ही नहीं था उधर लड़कियां होती, फर्स्ट टाइम गया था मैं। पर लड़कियां वो पता कितनी, कम से कम गाइस मैं सही बताऊं वहां पे 2 लाख लड़कियां होंगी, 2 लाख लड़कियां और लड़के बहुत कम। इतनी शर्म आ रही थी खरीदने में, फिर भी देख लो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए मैं ले आया। आपके आपकी
ब्यूटीफुल वाइफ के लिए। ये देखो इससे चीची मांग रहा है। हिमांशु तेजस आपने चाय वाला बनना है। चाय वाला बनना है। तो गाइस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और बाकी यार सपोर्ट करो थोड़ा सा, और थोड़ा सपोर्ट की और ज्यादा जरूरत है तो प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो। अगर आप इस सरोजनी मार्केट से शॉपिंग करते हैं तो जरूर बताना नीचे कमेंट में, और जो जो दिल्ली से है वो भी बताना कौन कौन दिल्ली से। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।